क्रिकेट एक महंगा खेल है। हमारी परिस्थिति वो समझता था, इसलिए नहीं बोलता। जहां चाह है वहां राह है। जब बैट्समैन था तब लगता था कि ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, वैसा लगता था अंदर से। तो बॉलर बन गया तो अच्छी बात है, खर्चा नहीं होगा। फीनिक्स एक पौराणिक पक्षी। When they are burned to ash, how they rise up again? No matter how many falls he'll have, he always has the power to bounce back and bounce back in a very, very strong way. Not many cricketers have that. April 2021, चेतन साकरिया ने अपने पहले ही आईपीएल मैच में झंडे गाड़ दिए। पंजाब के खिलाफ 31 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। भावनगर जिले के वर्तेज गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ हफ्ते पहले तो यहां ढोल नगाड़े बजे थे जब राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन में चेतन को 1,20,00,000 रुपए में खरीदा था। लोग जश्न मना रहे थे, मगर घर में माहौल गमगीन था। सब खुश हो गए और सब बधाई देने वाले आने लगे, मीडिया वाले, वो बाजू वाले, सब को पता चला तो वो बोले कि तुम्हारा लड़का आ गया भाई, बहुत खुशी की बात है। वो सब बोलता था कि हम लेकर आते बैंड बाजा के साथ, हमको बहुत अभिनंदन देना है तुम सबको। तो हम बोले नहीं, हमको नहीं अच्छा लगेगा। उसके पापा तो रोते थे। दरअसल ऑक्शन के कुछ हफ्ते पहले ही चेतन के छोटे भाई का देहांत हो गया था। चेतन की गैर मौजूदगी में वही घर का ख्याल रखता था। उस वक्त भी चेतन बाहर था। उसका ध्यान क्रिकेट से ना भटके, इसलिए परिवार वालों ने उसे खबर नहीं दी। परिवार में अब माता पिता के अलावा छोटी बहन थी। पूरी जिम्मेदारी 23 साल के चेतन के कंधों पर आ गई। वर्तेज में पूरा परिवार अब भी एक कमरे और एक हॉल वाले छोटे से घर में रहता था। अभी तक देखिए सेटल डाउन हम लोग नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी घर लेना है और अच्छे एरिया में लेना है घर, और बहन की पढ़ाई वगैरह सब सब कुछ देखना है। तो अभी थोड़ा अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि इतना अभी भी मतलब स्टेबल नहीं हुआ हूँ मैं। जैसे ही एक बार हो जाएगा तब, जैसे कि मेरा घर बन जाएगा, फिर मैं अपना सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कर पाऊंगा, वैसी कुछ सिचुएशन बन पाएगी तो मैं मानूंगा कि नहीं, ये एक जो जैसी मैं लाइफ चाहता हूँ वैसी है। चेतन ने बचपन से संघर्ष देखा। घर में पैसे नहीं थे, पिता कांजीबाई टेम्पो चलाते थे, मगर उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। एक्चुअली क्रिकेट तो मतलब पापा की वजह से ही मुझे खून में आया था। वो भी थोड़ा बहुत टेनिस क्रिकेट वो सब खेलते थे, पर ओरिजिनल क्रिकेट मैंने अपने स्कूल से चालू किया खेलना। जब मैं 13 साल का था तब हमारे पीटी टीचर ने अनाउंस किया था, आई थिंक मैं 9th में था, कि लड़कों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो लोग लास्ट में रुक सकते हैं सिलेक्शन देने के लिए। तब वहाँ सर ने मुझे सिलेक्ट किया, पर एज अ बैट्समैन सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं थोड़े बहुत छक्के मार ले रहा था तब, जब छोटा था तब। तो वैसे करके मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई, और वो आगे आगे जाते मतलब जैसे जैसे आगे गए देखा कि क्रिकेट में जो लड़के खेलते हैं उन लोगों को थोड़ा ज्यादा ही भाव मिलता था स्कूल में, तो और इंटरेस्ट लेने लगा। स्कूल क्रिकेट के दौरान चेतन पर नजर पड़ी भाव सिंह क्रिकेट एकेडमी के कोच राजेंद्र गोहिल की, मगर गोहिल को उनकी बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पसंद आई। जल्द ही लेफ्ट आर्म सीमर चेतन को भी एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत है इन स्विंग। 16 साल की उम्र तक वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक पहुंच गया। इसी समय चेतन को एक बड़ा झटका लगा। जैसे ही करियर ऊपर जा रहा था तुरंत नीचे आ गया। तो तब यहाँ पर ऐसा था कि फिजियोथेरापिस्ट और सब नहीं रखते थे साथ में, तो उसको हील कैसे करना वो भी आइडिया नहीं था। तो मैंने अपने आप बॉडी को हील होने दिया, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, एटलीस्ट ऑलमोस्ट मेरा 1 साल उसमें चला गया। आगे क्या होगा ये पता नहीं था। घर के हालात बदतर थे और मैच फीस आनी भी बंद हो गई थी। फैसले का वक्त आ चुका था।
यहाँ चेतन के बड़े मामा मनसुख भाई जम्बुचा ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने चेतन को बिजनेस में हाथ बटाने का ऑफर दिया ताकि वो घर के खर्चे में हाथ बटा सके। मैंने बोला कि 2-3 साल अब देख लो, क्रिकेट खेल लो, वरना 2-3 दिन के 2-3 साल के बाद आपको बिजनेस में आ जाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली के हिसाब से। मैं क्या करता था, सुबह प्रैक्टिस जाता था, जैसे ही 10 बजे फ्री हो जाता था वहाँ से प्रैक्टिस से, तब नहा धो के फ्रेश होके सीधा मेरे मामा के यहाँ चला जाता था, और फिर बाद में सीधा वहाँ से छूटता था 4 बजे। तो इतने घंटे काम करता था, उसमें लंच वगैरह सब आ गया, ब्रेक भी आ गया, फिर वापस प्रैक्टिस चला जाता था और 6 बजे वापस वहीं प्रैक्टिस ख़त्म करके चला जाता था। मतलब 2-3 घंटे का काम जो बचा होता है ना वो पूरा कर, वैसे पूरा एक रूटीन ही बन गया। क्रिकेट और काम के बीच बैलेंस बिठाते हुए 1.5 साल के भीतर चेतन सौराष्ट्र अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो गया। भावनगर क्रिकेट का कोई बड़ा सेंटर नहीं है, लेकिन 2009 में केकेआर ने इसी जिले के शेल्डन जैक्सन को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जैक्सन रणजी और इंडिया ए टीम में जगह बना चुके थे और अब अपने जिले के उभरते खिलाड़ियों की मदद भी करने लगे थे। शेल्डन भाई को पता था मेरे बारे में कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आता हूँ और सब आइडिया था उनको, थोड़ा मेरा भी क्रिकेट मतलब अच्छा हो जाए इसलिए, और मैं थोड़ा एफर्ट डालूँ, दोनों का देख के हुए उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तू मुझे आउट करेगा तो मैं तुझे नए स्पाइक्स के पैर दूंगा जैसे, और कुछ बॉल लिमिटेशन में दिए थे कि इतने बॉल में आउट करना है, बस उसी में शेल्डन भाई को मैंने अनफॉर्चुनेटली आउट कर दिया था और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक एक स्पाइक्स के नए पैर दिए थे। इसी दौरान सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने चेतन को MRF पेस एकेडमी भेजा, जहां उसे ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ग्लेन मैकग्रा से सीखने का मौका मिला। इसके बाद चेतन साकरिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद आईपीएल टीमों ने साकरिया पर नजर रखना शुरू कर दिया और पिछले आईपीएल में उसने राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया। मगर साकरिया का एक और इम्तिहान बाकी था। आईपीएल 2021 के पहले चरण के कुछ ही दिनों बाद चेतन के पिता कांजी भाई कोविड की वजह से चल बसे। चेतन के पास उभरने के लिए क्रिकेट का ही सहारा था। जुलाई में उसे टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। फीनिक्स, वो पौराणिक पक्षी एक बार फिर भस्म होने के बाद वापस खड़ा हो चुका है। अब उसे और ऊंची उड़ान का इंतजार है।